और भी कोई पॉइंट्स रह गए तो गाइस प्लीज कमेंट डाउन बिलो, तो फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो, मैं आपको रिप्लाई प्लस कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा ही। आई एम गेटिंग मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय स्ट्रीक शिफ्टिंग गेमिंग लैपटॉप के, लाइक भाई इसका टीजीपी क्या है, इसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, इसका टाइप सी पोर्ट पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, सो जस्ट थॉट के लाइक लेट्स मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एक्सप्लेनिंग या फिर टेलिंग यू गाइस फीचर्स ऑफ दिस Asus ROG स्ट्रीक C15 गेमिंग लैपटॉप। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। मैंने उन सबको तो वहां पे सेपरेटली रिप्लाई कर दिया था, मींस लाइक इसका टीजीपी देन इसके बैटरी कैपेसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर वन पॉइंट के Flipkart के डिस्क्रिप्शन में इस लैपटॉप के कई सारे फीचर्स रॉन्ग लिखे हैं, एंड माय लैपटॉप इज Asus ROG स्ट्रीक्स G15 गेमिंग लैपटॉप। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पोर्ट्स ऑन दिस लैपटॉप। सो ऑन द लेफ्ट साइड हियर वी हैव थ्री मेन पोर्ट, व्हिच इज द टू पोर्ट्स आर द यूएसबी टाइप ए पोर्ट, देन द नेक्स्ट पोर्ट इज 3.5 mm का जैक। राइट साइड पे इट्स जस्ट ब्लैंक, यहाँ पे कुछ नहीं है। फर्स्ट पोर्ट इज यूएसबी का टाइप ए पोर्ट, देन द नेक्स्ट पोर्ट इज टाइप सी का पोर्ट, व्हिच सपोर्ट्स पावर डिलीवरी प्लस डिस्प्ले आउटपुट। पावर डिलीवरी मींस ये लैपटॉप टाइप सी के पोर्ट थ्रू भी चार्ज हो सकता है, मींस वी कैन यूज अवर मोबाइल चार्जर टू जस्ट चार्ज दिस लैपटॉप। एंड आई हैवंट चेक के लाइक टाइप सी का पोर्ट डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है कि नहीं। नेक्स्ट इज दिस HDMI पोर्ट, देन LAN पोर्ट, एंड द लास्ट इज दिस चार्जिंग पोर्ट फॉर दिस लैपटॉप। फर्स्ट पॉइंट जहां पे Flipkart का डिस्क्रिप्शन रॉन्ग था, बिकॉज वहां पे लिखा है कि दिस लैपटॉप हैज ओनली 6 कोर्स, बट ऐसा नहीं है, दिस लैपटॉप हैज 8 कोर्स। एज यू कैन क्लियरली सी लैपटॉप के ऊपर ही मेंशन किया गया है 8 कोर्स विच आर ओवरक्लॉक्ड। So I am using the Windows 11 on this laptop because Windows 11 का update आ चुका था, so I am just on Windows 11 right now. सबसे पहले चीज आती है of course the CPU of this laptop. तो इसके अंदर CPU है AMD का Ryzen 9 5900HX with Radeon graphics at 3.30 GHz, और RAM है इसके अंदर 16 GB RAM, and out of which 15.4 GB is usable. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस स्क्रीनशॉट। सर बिफोर के लाइक करंटली आई एम ऑन द विंडोज 11, सो अभी मैं विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के ऊपर हूं। द वर्जन इज 21H2 इंस्टॉल्ड ऑन 10/5/2021 OS वर्जन। ये रहा Alright, so this laptop has one CPU and two GPU. आपने बिल्कुल सही सुना, ये लैपटॉप के अंदर दो GPU है। The CPU is AMD Ryzen 9, then the first GPU is NVIDIA का RTX 3050 GPU, then the second GPU is AMD Radeon Graphics. यहाँ पे बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि लाइक इसके अंदर GPU 0 and GPU 1 दिया है। प्लस गाइस ये लैपटॉप की बेस स्पीड है 3.30 GHz as I said before. और एक और बात, इस लैपटॉप के अंदर है 8 कोर्स एंड 16 लॉजिकल प्रोसेसर, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। सो या दिस इज ट्रू, Flipkart का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल रॉन्ग है ये वाला, बट दिस इज द ट्रूथ, 8 कोर्स एंड 16 लॉजिकल प्रोसेसर्स। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रैम ऑन दिस लैपटॉप, 16 GB ऑफ रैम एज आई सेड बिफोर, बट 16 GB ऑफ रैम दो पार्ट में डिवाइड है, मींस 8 GB की वन चिप है वन स्लॉट में, एंड 8 GB के सेकंड चिप है सेकंड स्लॉट में। एज यू कैन सी इन द स्क्रीनशॉट, स्लॉट्स यूज 2 out of 2, एंड द स्पीड इज 3200 MHz। अ वेरी कॉमन थिंग, इसके अंदर कौन सी हार्ड ड्राइव है, तो इसके अंदर कौन सी SSD है, सो द SSD इज सैमसंग की, पता नहीं कोई तो SSD आप लोग यहाँ पे देख लो, एंड द कैपेसिटी इज 954 GB, एंड या फाइल सिस्टम यस, एंड टाइप ऑफ SSD। उसके बाद आता है अबाउट द Wi-Fi, तो इसके अंदर Wi-Fi 6 है, सर्टिफाइड Wi-Fi 6, के ऊपर स्टिकर भी लगाया है, जस्ट हैव अ लुक। ये रहा Wi-Fi 6 का स्टिकर। इस लैपटॉप है MediaTek का Wi-Fi 6 MT7921 वायरलेस लैन कार्ड, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो कभी कभार मुझे भी पता नहीं चलता कि लाइक क्या है, बट दिस लैपटॉप हैज वाईफाई 6। ऑलराइट, सो व्हेन वी विल ओपन द Radeon सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड ही आता है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है CPU है इसके अंदर AMD Radeon ग्राफिक्स प्राइमरी एंड इंटीग्रेटेड, एंड द रैम साइज इज 512 MB DDR4 1600 MHz। स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स मैं चिपका दूंगा यहाँ पे। उसके बाद इसके कई सारे फीचर्स आप लोग स्क्रीनशॉट में ही देख लो, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स। और उसके बाद लास्ट में है AMD Ryzen 9 CPU विथ Radeon ग्राफिक्स, एंड द रैम इज 16 GB। सो उसके बाद लेट्स जस्ट ओपन द आर्बरी क्रिएट सॉफ्टवेयर, विच इज लाइक द स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर द Asus ROG के लाइक गेमिंग लैपटॉप की सीरीज में। आप लोग यहाँ पे होम पेज पे देख लो कि AMD Ryzen 9, देन अगेन NVIDIA RTX 3050 विथ 4 GB ऑफ ग्राफिक कार्ड एट 128 bits। और एक और पॉइंट, जिन लोगों को लाइक अभी भी शक हो रहा है कि लाइक क्या इस लैपटॉप में 16 GB रैम है, कि लाइक क्या ये लैपटॉप में रियली 1 TB की SSD है, तो लाइक हाँ इसके अंदर है। आप लोग ये वाले स्क्रीनशॉट में एक और बार देख लो, ये तो आर्मरी किट का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है फ्रॉम Asus, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया गया है दिस लैपटॉप है 15.4 GB ऑफ रैम एंड 952.3 GB, मींस ऑलमोस्ट 1 TB की SSD भी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द Aura Sync, मींस इसके अंदर RGB जो इसकी स्पेशल लाइट्स है, जस्ट हैव अ लुक, ये जो इसकी RGB लाइट्स है, इसके टोटल कितने मोड्स है हमारे Asus ROG स्ट्रीक C15 गेमिंग लैपटॉप के अंदर। सो उसके अंदर इन टोटल इतने सारे बेसिक इफेक्ट्स है इन द आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर, जस्ट हैव अ लुक। इसके अंदर है स्टैटिक, देन ब्रीदिंग, देन स्ट्रोबिंग, कलर साइकिल, रेनबो, स्टारी नाइट, देन म्यूजिक, स्मार्ट, एडेप्टिव कलर, एंड द लास्ट इज डार्क। रेनबो के अंदर भी वी हैव अराउंड दिस मच ऑफ पैटर्न्स इन टोटल। रेनबो के अंदर वी हैव
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in total, in the rainbow effect, we have around 9 effects of different color series. By the way, guys, I'm not gonna show each and every effect of this aura sync because इसमें कई सारे effects अगर मैं बताने गया तो मेरा video आराम से 15-20 minute का तो specially हो जाएगा. This RGB lights. आप लोग इसमें अपने खुद के customize RGB effects भी बना सकते हो through the aura creator for the awesome RGB effects. और इसमें कई सारे effects हैं. For example, the static, then breathing, then color cycle, then rainbow, then strobing, then comet, then star, then tide. And आप लोग इसको sync कर सकते हो with your music, with some smart features and with some smart point, I don't know ये क्या है, and some adaptive colors. One more important thing is the display of this laptop. तो like इसका display है 144Hz के refresh rate के साथ, and the brightness is around 250 nits with 45% of NTSC color gamut and 67% of sRGB colors with 50% of Adobe in total. और अगर मैं इन सब का लाइक कंक्लूजन बताऊं तो लाइक इन टोटल कंक्लूजन में ये बात आती है कि लाइक ये लैपटॉप का डिस्प्ले का सैचुरेशन मींस द कलर क्वालिटी ऑफ दिस डिस्प्ले वो मुझे थोड़ी बहुत लो लगी बिकॉज़ द रेड कलर ऑन दिस लैपटॉप लाइक डजंट सीम टू बी परफेक्ट रेड. इन सिंपल वर्ड्स के लाइक सैचुरेशन ये डिस्प्ले का थोड़ा बहुत लो लगा, मुझे उतना भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट या इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम. एंड द नेक्स्ट थिंग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द टीजीपी ऑफ दिस लैपटॉप मींस द टोटल ग्राफिक पावर इज ओनली 80 वॉट्स. यहां पे कहीं भी मेंशन नहीं है अबाउट द 15 वॉट का डायनेमिक बूस्ट, वो मे बी अवेलेबल होगा, बट जितना मैंने इस लैपटॉप को एक्सप्लोर किया है उस अकॉर्डिंग तो इसके अंदर बस 80 वॉट्स का है टोटल ग्राफिक पावर है. आप लोग ये वाले स्क्रीनशॉट में देख लो वापस इन द आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर टीजीपी दैट इज 80 वॉट्स ओनली. सो आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट व्हिच इज द बैटरी. तो लाइक इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, सो द बैटरी कैपेसिटी इज 56 वॉट आर. आप लोग ये वाले स्क्रीनशॉट में अगेन देख लो. एंड बाय द वे गाइस, दिस इज द ऑफिशियल स्क्रीनशॉट मेरे ही लैपटॉप का. एंड टू गेट दिस टाइप ऑफ इन्फो जस्ट आप लोग गूगल सर्च कर लो लाइक हाउ टू नो द बैटरी कैपेसिटी इन विंडोज 10 या तो फिर ऑन विंडोज 11. सो दिस लैपटॉप हैज डिजाइन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 55,997 मेगावाट आर और इसकी फुल चार्ज कैपेसिटी है 57622 मेगावाट आर. और लाइक अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो लाइक ये मुझे इजीली 3-6 आवर तक का बैटरी बैकअप देती है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यूजेज. अगर मैं लाइक फुल गेमिंग करूँ तो ये आराम से ये ऑन बैटरी आई थिंक आधे घंटे या तो फिर मैक्स टू मैक्स एक घंटे में पूरी बैटरी इसकी ड्रेन हो जाएगी इफ आई एम डूइंग गेमिंग ऑन माय लैपटॉप. और अगर मैं सिंपल काम ही करा, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक सुना था, मैं थोड़ा बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब वीडियोस, देन आई डिड सम गूगल सर्च, मैं थोड़ा बहुत मैंने सर्फिंग किया, तो लाइक वो यूज के साथ ही आराम से 3-5 घंटे चल जाएगी, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ एनी इंडिविजुअल. ओके, सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दी है ऑफ माय Asus ROG Strix G15. अगर और भी कोई पॉइंट्स रह गए तो गाइस प्लीज कमेंट डाउन बिलो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो, मैं आपको रिप्लाई प्लस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा ही. सो या गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल हियर. इफ यू एंजॉयड देन प्लीज लाइक, नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो प्लीज मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टा के ऊपर, नाम है मिस्टर व्लॉगर. सो गाइस प्लीज बहुत जल्दी से जल्दी हो पाए तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स प्लीज गाइस कंप्लीट कर दो बिकॉज बहुत जल्द अब खत्म होनी है. सो या आई विल सी यू गाइस आफ्टर वन डे. टिल देन गुड बाय, सावनारा एंड दस्वी दानिया.